अलवर के रामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सफिया खान के लिए लोगों से वोट की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे और 25 जनवरी को सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कैबिनेट के कई मंत्री, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, एआईसीसी सचिव जितेंद्र सिंह और जुबेर खान समेत दूसरे पदाधिकारी सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। जितेंद्र सिंह के फूलबाग निवास पर इसकी तैयारियों को लेकर चर्चा भी की गई, जिसमें रघु शर्मा, टीकाराम जूली, जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र राठौर और वैभव गहलोत भी मौजूद रहे। पच्चीस तारीख को राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का दौरा है, उसके बारे में भी, और पूरा चुनाव बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, चुनाव हम पक्के जीतेंगे, यही हमारी रणनीति है। कौन सा बात जा रहे हैं तो कोई जिम्मेदारी बांटी अलग अलग नेताओं को? हाँ, सबको जिम्मेदारी ऑलरेडी दी हुई है, सब अपना काम कर रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव के दौरान अलवर के रामगढ़ में बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का निधन हो गया था। अब यहां पर विधायक का चुनाव होना है और इस बीच आज लक्ष्मण सिंह के परिजनों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस मौके पर मंत्री रघु शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष वैभव गहलोत, एआईसीसी सचिव जुबेर खान, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस सचिव अजीत यादव, जिला प्रमुख रेखा राजू यादव सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। तो लक्ष्मण सिंह के परिजन कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं किस तरीके से उन्हें यहां पर पगड़ी पहनाकर उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया गया, सदस्यता उन्हें कांग्रेस की दिला दी गई है। चुनाव के दौरान लक्ष्मण जो कि प्रत्याशी थे बसपा के, उनका निधन हो गया तो और अब यहां पर एक बार फिर से उपचुनाव होना है और उसे लेकर अब कांग्रेस भी पूरे तरीके से तैयारी में जुट गई है और अपने कार्यकर्ताओं की संख्या जो है वो बढ़ाती जा रही है। अलवर के रामगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। सीपीआई के सचिव जगदीश शर्मा ने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि उन्माद फैलाने वाली बीजेपी चुनाव ना जीते इसलिए कांग्रेस को समर्थन दिया है। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहे। पिछले साढ़े चार सालों से एक विचारधारा जो ये स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार नहीं है, वो हमेशा दूसरे विचारों को गला घोटने के लिए तत्पर रहते हैं। भैरोड़ हाईवे पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं और आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह का धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वो जो वातावरण पैदा कर रहे हैं उसके खिलाफ सीपीआई लगातार संघर्षशील है। इसीलिए हम चाहते हैं कि देश में, प्रदेश में, अलवर में और रामगढ़ में वह विचारधारा पराजित हो, आरएसएस बीजेपी पराजित हो और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाली ताकत कांग्रेस पार्टी हो, तो वर्तमान में तो वही वहां पर विजयी होने वाली है। वहीं सहयोगी अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं, क्या कुछ फिलहाल अभी अपडेट है पूरे मामले पर? अश्विनी, आज बहुत सारी खास तस्वीरें देखने को मिली है लेकिन कुछ भी हो प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। एक सीट है लेकिन हर किसी की नजर है और कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो उनका कुनबा बढ़ता जा रहा है। देखिए पूनम, निश्चित तौर पर आज रामगढ़ चुनाव में बात करें तो कांग्रेस का कुनबा बढ़ा है, यूं कहें कि उनको बढ़त मिली है। वो परिवार जो लक्ष्मण सिंह चौधरी जो थे, जिनका निधन के कारण चुनाव स्थगित हुआ और अब दोबारा रामगढ़ का चुनाव अब जो हो रहा है, उनके परिजनों ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। मंत्री रघु शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, वैभव गहलोत समेत तमाम नेता यहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन की है, तो बसपा को एक झटका जरूर लगा है। और दूसरी तरफ सीपीआई ने विचारधारा के नाम पर कि हम एक खास विचारधारा के खिलाफ जाकर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, वोट दिलाने की अपील हम करते हैं और सीपीआई इस रामगढ़ के चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, इस बात को लेकर एक पत्रकार वार्ता भी यहां पर आज मंत्री रघु शर्मा ने की और सीपीआई के पदाधिकारी जो हैं उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया। तो ये दो जो बढ़त हैं वो कांग्रेस को यहां पर आज मिली है। खासतौर यह है कि जो दिग्गज नेता हैं राजस्थान में, जो मंत्री हैं, वो लगातार रामगढ़ का दौरा कर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए, वोट की अपील करने के लिए। आज दिन भर जिस तरह मंत्री रघु शर्मा दौरे पर रहे हैं, जितेंद्र सिंह दौरे पर रहे हैं, वैभव गहलोत यहां पर लगातार लगे हुए हैं, धर्मेंद्र राठौड़ यहां पर हैं, कल विश्वेंद्र सिंह का दौरा यहां बन चुका है। तो कांग्रेस जो है कोई कोर कसर यहां पर नहीं छोड़ देना चाहती है। उधर बसपा में पूर्व विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह खुद पूरे जो चुनाव है उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जगत सिंह गांव गांव प्रचार कर रहे हैं। बसपा के जो मतदाता है, एक पूरा वोट बैंक जो बसपा का माना जाता है, वो पूरी तरह ऐसा
दिख रहा है कि अभी जगत सिंह के साथ नजर आता है और भाजपा भी अपनी बैठकें करके भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में वोट मांग रही है। इसमें जो बड़ी बात, बीते दिन मंत्री रघु शर्मा ने जो बयान आया था, उसके बाद आज भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की है ज्ञानदेव आहूजा ने, और कई सारे आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने इतना विकास यहां पर रामगढ़ में किया है। बिल्कुल, हर किसी की कोशिश है कि अपने प्रचार प्रसार में यहां पर जान फूंक दे।